ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेवर्सल राइट ए प्रोग्राम टू ट्रेवर्स ऑफ वन डायमेंशनल एरे यूजिंग फॉर लूप। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। ओके, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले एरे कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ int arr, देन उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट लगाऊंगा इक्वल टू, और मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। हम लोग इस टाइप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, फाइव एलिमेंट्स में यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने डाला है 10, 20, 30, 40, 50, सबके पास एक अपना इंडेक्स होगा, मतलब इंडेक्स से ही हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 0 किसके लिए होगा, 10 के लिए होगा, इंडेक्स नंबर 1 किसके लिए होगा, 20 के लिए होगा, इंडेक्स नंबर 2 किसके लिए होगा, 30 के लिए होगा, इंडेक्स नंबर 3 किसके लिए होगा, 40 के लिए होगा, इंडेक्स नंबर 4 जो होगा वो 50 के लिए होगा। तो यहाँ पे 0 to 4 इंडेक्स हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे clrscr, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर लूप, फॉर लूप लगाएंगे हम लोग, और फॉर लूप के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे आई। यहीं पे मैं कॉमा देके या फिर एक न्यू इंट आई हम लोग ले लिए, और इस आई को हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ओके, तो आई इज लेस देन 5 हम लोग ने लिखा है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा, और वहीं तक हम लोग को एक्सेस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, देन उसके बाद यहाँ लिखेंगे %d, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ arr of %d, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे %d, और कॉमा देके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i कॉमा arr of i, इस प्रकार से। तो arr of i में क्या होगा, जो भी यहाँ इंडेक्स है arr of 0, मैं यहाँ पे साइज देना भूल गया, तो मैं यहाँ साइज दे देता हूँ 5। तो यहाँ पे हम लोग i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0, मतलब arr of 0, arr of 0 में किसकी वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी। देन उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, arr of 1 क्या होगा, 20। तो इस प्रकार से एक एक करके वो एक्सेस करते जाएगा। अगर हम लोग इसको रन करके देखें तो हम लोग को आउटपुट कैसा मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सबसे पहले arr_ay2.c, उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ कंपाइल, एक एरर आ रहा है getch कंपाइल मैंने किया इसको और मैंने रन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की एक्सेस हो चुका है arr of 0, 10। ठीक है, हम लोग स्लैश एन दे देते हैं यहाँ पे प्रिंटफ में, तो हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। स्लैश एन सेव किया, कंपाइल किया, देन उसके बाद रन किया, तो यहाँ पे हम लोग
इंडेक्स नंबर 0 में है 10, इंडेक्स नंबर 1 में है 20, 2 में है 30, 3 में है 40, 4 में है 50. तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है. ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन किया हूँ और यहाँ पे हम लोग ने एक ट्रैवर्स के लिए लूप चलाया है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे. 5 टाइम्स हम लोग को इनपुट लेना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लूप लगा देंगे. फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जे. मैं इस जे को चलाऊंगा, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 5, जे प्लस प्लस. और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट लेंगे. इनपुट हम लोग किससे लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंटफ से एक मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर एलिमेंट फॉर ARR ऑफ परसेंट डी. ओके, और यहाँ पे दे दूंगा जे. ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पे दूंगा और यहाँ लिख दूंगा स्कैन एफ. देन उसको स्कैन एफ में हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेने वाले, तो लिखेंगे परसेंट डी और यहाँ पे दे देंगे ARR ऑफ आई. ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एम परसेंट. ठीक है, जैसा हम लोग वेरिएबल के लिए यहाँ पे लेते थे रन टाइम पे इनपुट, हम लोग यहाँ पे भी वैसा ही कर सकते हैं सेम. तो यहाँ पे एंटर एलिमेंट फॉर ARR ऑफ परसेंट डी में किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जे की वैल्यू. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लूप स्टार्ट करेंगे वैल्यू 0 से, तो ARR ऑफ 0 यहाँ प्रिंट होगा और यहाँ पे वैल्यू हम लोग डालेंगे. तो ऐसे ही हम लोग को 5 बार इनपुट के लिए पूछेगा और रन टाइम पे हम लोग इनपुट डाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ. सेव मैंने यहाँ पे किया और ARR3.c. ओके, और हम लोग इसको करते हैं कंपाइल. कोई एरर नहीं आया और हम लोग कर देते हैं इसको रन. तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एलिमेंट फॉर ARR ऑफ 0. मैं यहाँ पे डालता हूँ 10. 10 मैंने डाल दिया, एंटर किया. अब पूछ रहा है एंटर एलिमेंट फॉर ARR ऑफ 1. मैंने 20 डाल दिया. ARR ऑफ 2 मैंने 30 डाल दिया, यहाँ 40 डाल दिया और 50 डाल दिया. 5 बार मैंने इनपुट डाल दिया और लूप हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है. मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जे लेना था और हम लोग इसको करते हैं रन. रन करने से ARR ऑफ 0 यहाँ पे डालते हैं. मान लो मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, 20 डाल सकते हैं, 40 डाल सकते हैं, 60 डाल सकते हैं, 80 डाल सकते हैं, 100 डाल दो. ठीक है, एंटर किए और यहाँ पे हम लोग को 20, 40, 60, 80 और 100 ऐसी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी. तो हम लोग ने क्या किया, रन टाइम पे इनपुट लिया. इनपुट लेने के लिए भी हम लोग यहाँ पे लूप लगाए हैं और यहाँ पे ट्रैवर्स करने के लिए भी हम लोग फॉर लूप का यूज़ किए. तो फॉर लूप से हम लोग यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है, इंडेक्स वैल्यू के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं और हम लोग उसको ट्रैवर्स करके आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं.